हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्यूरेक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि इन्फानेट यूरिक एसिड का यूज हम सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर पे कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे किट कंपोनेंट्स। तो किट के साथ हमें मिलेगा रिएजेंट, स्टैंडर्ड और पैकिंग सेट। किट के अलावा हमें चाहिए कैलिब्रेटेड पिपेट्स, स्मॉल और लार्ज टिप्स, लेबल टेस्ट ट्यूब्स, सीरम सैंपल और टिश्यू पेपर। अब हम देखेंगे कि टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 ml का पिपेट लेंगे और तीनों ही ट्यूब में हम 1 1 ml रिएजेंट लेंगे। फर्स्ट वन ब्लैंक है तो उसमें हम कुछ नहीं लेंगे। सेकंड स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड हम 25 μL लेंगे। और टिश्यू से वाइप कर लेंगे। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो सीरम है तो 25 μL हम सीरम लेंगे। उसको भी वाइप कर लेंगे टिश्यू से और रिएजेंट के साथ उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स को 5 मिनट के लिए 37 पे रख देंगे। पांच मिनट हो गए हैं, अब हम टेस्ट ट्यूब्स इनक्यूबेटर से निकालेंगे और इसका रीडिंग लेंगे। तो अभी रीडिंग लेने के लिए हम मेन मेन्यू पे जो यूरिक एसिड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पहले सबसे पहले डिस्टिल वाटर से वॉश देंगे। एस्पिरेट ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है तो हम ब्लैंक लेंगे और एस्पिरेट करेंगे। ब्लैंक जो है 0.011 आया है तो सेव करने के लिए हम ब्लैंक पे वापस प्रेस करेंगे। अब एस्पिरेट स्टैंडर्ड का ऑप्शन आया है तो स्टैंडर्ड एस्पिरेट करेंगे। कैलिब्रेशन सेव करने के लिए स्टैंडर्ड पे प्रेस करना होगा और जो हमारा फैक्टर है वो 36.3 आया है। अब हम सैंपल एस्पिरेट करेंगे। तो सैंपल का जो वैल्यू है वो 6.3 आया है। इसी तरीके से हम और भी सीरम सैंपल का टेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू।